हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजवे और आज आपके सामने वी स्ट्रोम एसएक्स मुड़चन दिखाने वाले हैं। काफ़ी नीटफुल और ये पहले देखो कहां से आई है। ये भैया आए हैं चंडीगढ़ से स्पेशली हमारे पास काम कराने, CA01। पहले भैया का थोड़ा सा इंट्रो कराते हैं, उसके बाद दिखाते हैं गाड़ी में क्या क्या होने वाला है। तो सर आप कहां से आए हैं और आप कैसे हैं ये बताइए। आप चंडीगढ़ से आया हूं, बेसिकली यूट्यूब से देखा था आपका, रेफरेंस लेके आए हम लोग। तो अभी तक का कैसा रहा, एक घंटा तो आपको ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस एक घंटे का सबसे बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, मतलब जो ट्रीटमेंट दी जाती है उससे बढ़ के दे रहे हो आप ट्रीटमेंट। चलो जी, थैंक यू सो मच। बाकी काम तो बात की बात है, काम तो भी स्टार्ट कर ही रहे हैं, चल रहा है। आप देख सकते काम जो स्टार्ट हो चुका है, इसका लैम्पशेड स्टार्ट हो चुका है, जो सबसे ज़्यादा नीडफुल होता है नई बाइक के अंदर लेते ही कराने के लिए। वो देख सकते हैं आप, इसके अंदर रेडी है जो चल रहा है। बाकी हॉर्न वगैरह लग चुके हैं, अभी बाकी काम इसका चल रहा है। हैजार्ड वगैरह लग रहा है इसके अंदर, इंडिकेटर बल लग चुके हैं और भी बहुत सारी मोटिवेशन इसके अंदर होने वाली है। क्रैश गार्ड इसका आ चुका है, देख सकते हैं दो डिज़ाइन के, जिसमें कि लगने वाला फुल बॉडी ये वाला इसके अंदर लगाएंगे हम, और उसके बाद फॉग लैंप वगैरह और भी बहुत सारी इसमें मॉडिफिकेशन है। करते हैं पहले मॉडिफिकेशन कंप्लीट, फिर दिखाते हैं आपको फुल वीडियो में कि क्या क्या इसके अंदर हुआ है। तो वीडियो बने रहना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, राजू भाई SKD। तो देख सकते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, बाकी अभी धीरे धीरे आपको मैं दिखाता रहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर क्रैश गार्ड, जो कि बहुत ही बिग साइज के अंदर क्रैश गार्ड है, वो इसका इंस्टॉल हो गया है, जो कि आप देख सकते हो पूरा टैंक और आपके TPFC पूरा कवर, साथ में वाइजर भी कवर हो चुका है। और साथ में आपको देखने मिलेगी इसके फॉग लैंप जो कि लगा दी गई है। और ये देख सकते हैं फिटमेंट, देखिए आप जो हम कहते हैं ना कमिटमेंट, कि वायरिंग जो होती है आपकी वो पूरी कपलर टू कपलर होती है, कोई वायरिंग आपकी कटती नहीं है, आपकी वायर पूरी सेफ रहेगी बाइक की, आप देख सकते हैं कहीं पर भी। और अभी काम चालू है, अंडर प्रोसेसिंग आपका। और सबसे ना क्रैश गाड़ी प्रॉपर फिटिंग चेक कर लो एक बार, ये देखिए ये इसका वन स्क्रू हो गया, ये आपका सेकेंडली हो गया, जो कि प्रॉपर ना प्रॉपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोग पता क्या करते हैं इसको जुगाड़ में तब्दील कर देते हैं कि भैया मेरे को तो बड़ा चाहिए, मेरे को हैवी चाहिए, तो जुगाड़ कर कुछ भी लगा देते हैं, बट अपना ऐसा कोई काम नहीं। देख सकते हैं इधर भी, देख सकते हैं ये हो गया इसका थर्ड। तो ये सेम फिटिंग आपको मिलेगी इस तरफ, जैसे आपने उधर देखा उसी तरह सेम मिलेगी आपको उस तरफ। अभी करते हैं कंप्लीट गाड़ी को और उसके बाद दिखाते हैं आपको पूरा एग्जैक्ट क्या हुआ है। कैनवास देखो, लैमिनेशन जो करी देखिए, इसे कहते हैं लैमिनेशन, ये देखिए प्रॉपर। बाकी पूरी वीडियो में बने रहने की लाइक से जरूर जुड़ा राजभाई SKD को। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा था और क्या क्या हो चुका था, और अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या हुआ है। फाइनली आपको देखने मिलता है, सबसे पहले दिखाऊंगा वाइजर एक्सटेंडर जो कि मिलता है कुछ इस तरीके से, ये काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है और आप चाहो तो इसे आप नीचे भी कर सकते हो। आपको दिखाया था किस तरीके से नीचे होता है, ये देखिए, ये आप जैसे मर्जी इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो ऊपर या नीचे, जहाँ आप चाहो वहाँ पर ये आपका सेट हो जाएगा ईजीली। ये मैंने आपको दिखा दिया और ये आपका प्रॉपर फिटमेंट वाला ड्यूल फिटमेंट है इसकी, जो कि आपको देखने मिल जाती है एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर है मिनी ड्राइव, जो कि आप देख सकते हैं, लुक चेकआउट कर लो आपकी किस तरीके की इसकी आने वाली है, कुछ इस तरह छोटी सी है मिनी ड्राइव, इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और क्लैम्प से फिट कर दिएगा प्रॉपर फिटिंग वाला, देख सकते हैं क्लैम्प, कोई जुगाड़ नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, ईजी टू फिटेड आपका कर देगा। और इसमें लगा हुआ साथ में मेटल वाला स्विच, देखिए ये इसके अंदर मेटल वाला स्विच जो कि देखने मिलता है कुछ इस तरीके से। और अब दिखाता हूँ इसकी रोशनी, ये देखिए ये हो गया आपका वाइट, ये हो गया आपका येलो, वाइट येलो वाइट येलो, तो ये इसका थ्रो है कुछ इस तरीके से। रोड पे जब निकलते हैं ना तो काफ़ी अच्छी रोड प्रोटेक्शन हो जाती है इसे लगने के बाद, क्योंकि थ्रो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसलिए। और अब दिखाता हूँ सिमटेक का ओरिजिनल इंडिकेटर बल्ब, देख सकते हैं ये इंडिकेटर बल्ब में जो लगा देंगे इसके अंदर, ये देखिए चाबी ऑन करने के बाद ये हो गया ऑन, और रोशनी देखो कितनी ज़बरदस्त से देख सकते हैं, जब रात में निकलेगी तो ये भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी होगी। इसका जो यूज़ है ना, जब आप नॉर्मली कहीं पर भी राइड करते हैं तो जो डे हो नाइट हो, आपने अगर उसको चला के रख दिया तो आगे हो पीछे हो, सबको पता है कि आपका आगे कोई बाइक व्हीकल निकल कर जा रहा है। काफ़ी तेज़ थ्रो है इसका, और इसमें मिलते हैं आपके 20-25 पैटर्न्स, ये देख सकते हैं 20-25 पैटर्न्स है इसके अंदर जो देखने मिल जाएंगे आपको किस तरीके से। और बल्ब की मिलती है आपको 3 साल गारंटी पूरी काउंटर रिप्लेसमेंट, बट कार्ड लाना मैंडेटरी है, बिना कार्ड के आपकी कोई गारंटी नहीं मिलेगी। सेम मिलती है आपको हैजार्ड, इसकी भी आपको मिलती है 1 साल की गारंटी, और इसके लिए आपको कार्ड मैंडेटरी लाना। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर जो कि लगाया गया है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का क्रैश गार्ड, देख सकते हैं ये क्रैश गार्ड मैंने अभी दिखाया था वीडियो में थोड़ी देर पहले, अब चेकआउट कर लो पूरा फिटमेंट हो चुका है इसका, लुक देखो क्या ज़बरदस्त है। और इससे ना पूरा आपका टैंक पूरा फेयरिंग और आपके खुद के लैक्स ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोडक्ट, फुल्ली प्रोडक्शन वाली चीज़ है। दो स्लाइडर इस तरह में, दो स्लाइडर इस तरह, आपकी गाड़ी अगर गिर भी जाते हैं ना किसी भी तरीके से तो कोई भी डैमेज इससे नहीं बना। फिटमेंट मैं दिखाता हूँ एक बार दोबारा से, ये देखिए ये इसकी फिटमेंट हो गई सिंगल,
ये आपकी होगी सेकेंड फिटमेंट और एक फिटमेंट होगी आपके आगे, कोई जुगाड़ नहीं, कोल्ड ड्रेस सीधा ही प्रॉपर फिटिंग आपको मिलता है क्रैश गार्ड। अभी तक आपने मेरी वीडियोज़ के अंदर देखा होंगे बिना स्लाइडर वाला, बट ये बनवा दिया हमने स्लाइडर वाला क्रैश गार्ड, जो कि आपको लुक इस तरीके से मिलती है। और राजू भैया ऐसा कुछ ना हो वो हो नहीं सकता। और इसके बाद दिखाऊंगा आपको इसके अंदर, देखते हैं मोबाइल होल्डर ही लगा दिया है, जब भी कहीं जाना हो तो इजी राइड हो जाती है, मैप ऑन कर निकल जाइए किसी भी राइड पर, राइड बना देगा आपकी इजी। इधर आपको मिले टॉप रैक प्लेट जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके है, ये इसके अंदर लगा दी गई। इसे लगाने के बाद आप चाहो तो टॉप बॉक्स वगैरह इसके अंदर ईजीली लग जाते हैं, और चाहो तो वैसे भी कोई लगेज इसके अंदर कैरी कर सकते हो बिना टॉप बॉक्स के भी। साथ में आप चाहो तो इसके अंदर बैक रेस्ट भी आप इजीली इंस्टॉल करा सकते हो। एक और चीज़ के अंदर ऐड कर दी गई जो देख सकते हैं, ये सैडल स्टे जो मैं बता रहा था आपको कि सैडल स्टे लगने के बाद आपके ये सारी चीज़ लग जाती है पैनल्स वगैरह, तो ये भी इसके अंदर ऐड ऑन कर दी गई। आप देख सकते हैं लुक चेकआउट कर लो, ये प्रॉपर फिटिंग वाली होती है। वन साइड फिटिंग इधर होगी, सेकेंड आपकी इधर होगी, थर्ड आपका ये आपका एडजस्टमेंट होगी पूरी इधर से लेकर इधर तक। देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, जिसे कहते हैं हम सैडल स्टे। इसे लगाने के बाद राइडिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा ईजी, जो कि भैया राइड पर जाने वाले हैं तो इनकी राइड इजी हो जाएगी। लुक चेकआउट को अल्टीमेट फिनिशिंग जो मैं हर बार कहता हूँ प्रॉपर फिटिंग वाला, देख सकते हैं गाड़ी कहीं जाने वाले हैं, इसे कुछ भी लगाना हो पैनल्स वगैरह तो वो भी इसके अंदर इजीली फिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ इसके अंदर, आप दिखा दो उसके लैमिनेशन जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लैमिनेशन है इसकी, ये देखिए, देख रहे हैं आप, पुरानी लाओ नई ले जाओ ये काम कर रखा है हमने। देखा, कोई जज भी नहीं कर रहा है कि इसके अंदर लैमिनेशन की भी गई है या नहीं की गई है। और देखो आप क्या अल्टीमेट तरीके से इसके लगा दी गई है आपकी लैमिनेशन। और इसके बाद एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके अंदर लगाए हॉर्न जो कि मिलते हैं आपको ओरिजिनल। ये देखिए चाबी ऑन करता हूँ और अब सुनाता हूँ साउंड, ज़बरदस्त अल्टीमेट साउंड वाले आपको मिलते हैं इसके अंदर हॉर्न। और इसकी मिलती है आपको पूरी 6 मंथ की गारंटी, ये आपकी होता है HELLA D70 जो कि इसका नाम है HELLA D70, इसका मॉडल है। कभी भी कहीं आपको लगवाना तो कोई सी बाइक कोई सी भी स्कूटी हो, ये आपके मस्ट है, क्योंकि साउंड इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है और छोटे हॉर्न है और साउंड इसकी काफ़ी ज़बरदस्त साउंड आपने सुनी ली है। और एक छोटी सी और इधर आइए, ये देखिए एक ना ये भी इसके अंदर लगा दी गए, ये इसका गियर शॉक्स। इसका जो यूज़ है वो पता क्या होता है मैं बता दूँ आपको, ये देखो ये ना शूज़ जब करते हैं ना इसको तो गियर डालते हैं तो यहाँ पर निशान आ जाता है, तो उसको निशान को बचाने के लिए करंट चूज खराब ना हो इसलिए एक छोटी सी चीज़ ये भी इसके अंदर लगा दी गई है। और अब यहाँ पर आकर इसकी होगी मॉडिफिकेशन कंप्लीट। अब मिलाता हूँ भैया से, क्योंकि चंडीगढ़ से आए हैं भैया, तो उनका एक्सपीरियंस ऑल अबाउट कैसा रहा हमारी शॉप पर और हमारा काम कैसा रहा, तो पूछते हैं भैया से। तो हेलो सर, वेलकम बैक वंस अगेन। अब बताइए कि कैसा लगा आपको यहाँ का सब कुछ? सबसे बढ़िया रहा कि आपका जेन्युइन प्रोडक्ट है सारे, मतलब मैंने जो पूरे इंटरनेट पे सर्च कर करके यहाँ तक आया हूँ, प्लस मैंने चंडीगढ़ में हर जगह ढूंढा किसी पे नहीं मिल रहा। वो कह रहे मंगवा देंगे, नहीं फिट होता फिर वही पैसे रिटर्न नहीं होंगे ये वो, फिर उस करके मैं चंडीगढ़ से स्पेशली दिल्ली तक आया हूँ। मैं सुबह 4 बजे निकला हूँ और 8 बजे इन्होंने मुझे रिसीव करा है। और अब कितने बज रहे हैं जो जाने का टाइम हो चुका है आपका? आप हो गए 2 के 3 बजने वाले हैं, और वापसी रिटर्न करेंगे भैया अभी। तो ऑल अबाउट आप हमारे स्टाफ से हमसे सेटिस्फाइड हैं? बहुत, अगली बार भी आएंगे, आगे रेकमेंड करेंगे इससे। और काम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, तो ऑल हैप्पी आप? हाँ जी हाँ जी। चलो, ऑल इंडिया से कोई आना चाहे तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? यही है कि राजू भाई के पास आओ, जो बोलोगे आपको बस फ़ोन करके आओ, आपको जो चीज़ सब मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। तो आपको भी करना क्या है, सीधा आना आपको राजू भाई के पास जो कि मिलता है दिल्ली करोल पर, नाइवल पर। और मैं जल्दी खुलासा करूंगा, एक और न्यू स्टोर ओपन होने वाला है अपना जो कि मिलेगा आपको, उसकी जल्दी सूचना मिलने वाली है। शायद हो सकता है इस वीडियो के बाद ही मिल जाए या ना मिले, 2-4 दिन का वेट करना पड़ेगा आपको। आपको उस ओपनिंग पर भी आना है, आपको इनवाइट करूंगा, डे और टाइम मैं बता दूंगा कब आना है, तो उसके लिए कमिंग सून है। और फिलहाल के लिए अभी हमारे जो 2 स्टोर हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं इसी मेन रोड पर, जो कि आर्य समाज मेन रोड है, इस पर हमारे 2 स्टोर हैं जो कि मिलेंगे आपको राजू भाई SKD के नाम से आपको मिलने वाले हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप आते हैं ना यहाँ पर, तो बाकी जगह घूमने से बढ़िया ना सीधा देखें हनुमान जी की मूर्ति एक मिलेगी आपको जनरल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट गोल चक्कर पर, बड़ी सी मूर्ति। और दूसरी मूर्ति मिलेगी मेरी शॉप के बोर्ड पर, जैसे कि भैया ने भी देखा था, सही कह रहा हूँ ना? यस, वही देखा था ना आपने, फ़ोन करके आए हमने कहा हनुमान जी के पोस्टर पर आए, तो वो चीज़ का ध्यान दें, क्योंकि मैं हूँ बाबा का भगत और बाबा का आशीर्वाद मेरे सर पर है। और आपको आना है तो सीधा आना है राजू भाई के पास, जो कि मिलती है आपको दिल्ली करोल पर नाइवल के अंदर। मेरी शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, मिल जाएगा आपको। इस शॉप का एड्रेस मैं बता देता हूँ, बैक साइड में 36 नंबर के लिए है, और फ्रंट में देंगे तो आर्य समाज रोड है, जो कि आपको तो फिर मिल जाता है। बाकी मैंने बता दिया, हनुमान जी मूर्ति का ज़्यादा ध्यान दें।
तो देख लो, ये कहता हूँ इसीलिए हमने एक दो चीजें छोड़ दी ताकि हम सेकंड टाइम भी आ सके। अब सब कुछ लोग आगे चले जाएंगे, पर सेकंड टाइम क्या करने आएंगे, समझिए आप। सेकंड टाइम जरूर आना भैया, ये कह रहा मैं सेकंड टाइम आना है मुझे। अब आप बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक बार चेकअप कर सकते हो, वीडियोस देख लेना, ब्लॉग्स देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है संजू सफरनामा, ठीक है? हाँ। नहीं, नहीं लग रहा है। सेकंड टाइम देखा, मैंने कहा ना, दैट इज आल्सो फॉर सेकंड टाइम कंजूस। शाम तक जितनी खातिरदारी हुई है, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को बाहर जैसा फील हुआ कि मैं घर से 300 किलोमीटर दूर हूँ और ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो कि पहले कभी नहीं मिला मेरे से। एक बार फोन पे बात हुई थी, वो भी अपॉइंटमेंट के लिए, कि मैं पहले अपॉइंटमेंट ले लूँ कि मैं इस दिन आऊँगा। और सच बताओ, अपने जैसा ही फील है, सुबह से हंसी मजाक चल रहा है, बिल्कुल भी बाहर वाला फील नहीं आ रहा। तो आप लोग भी आ सकते हो, काम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर बंदे का नेचर भी एक मायने रखता है सामने वाले के लिए। ऐसा नहीं हो कि कहाँ आ गया यार, क्यों आ गया, काम तो हो ही रहा है। चलो जी, वीडियो करते ही खत्म, बहुत लंबा हो चुका है। और इसके बाद वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। राजू भाई एसकेडी पे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी। बाय।